वार्ड 12 न्यू आर्य नगर कोहका में 14 खसरों पर किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन निगम भिलाई की टीम सहित पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की गई और वॉल फेंसिंग को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान ऐसे कोई भी भूस्वामी जो इन जमीनों को अपनी बताकर बेच रहे हैं वे पूरी कार्रवाई में कहीं भी नजर नहीं आए। नगर पालिका निगम भिलाई लगातार अपने क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करने को लेकर संजीदा नजर आ रहा है और यह कार्रवाई वक्त वक्त पर बड़ा रूप ले लेती है। इसी तारतम्य में वार्ड क्रमांक 12 न्यू आर्य नगर कोहका शिव कॉलोनी में 14 खसरों की जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत लगातार जिला प्रशासन और निगम प्रशासन को प्राप्त हो रही थी, जिस पर शनिवार की सुबह जिला प्रशासन, निगम भिलाई प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में अभियान चलाकर अवैध प्लॉटिंग करने के लिए लगाए गए वॉल संरचना को ध्वस्त किया गया। अब यहां प्लॉटिंग का आलम यह दिखा कि इस अवैध प्लॉटिंग पर बिजली विभाग ने बिजली की सप्लाई भी सिर्फ बांस के सहारे तारों को लटकाकर दे रखी है। काफी देर तक चली इस कार्रवाई के दौरान ऐसे भूस्वामी जो इन जमीनों को अपना कहते हैं वह सामने नहीं आए और निगम प्रशासन और जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अवैध कब्जों को हटाने का कार्य पूरा किया। इस कार्रवाई को लेकर के दुर्ग SDM मुकेश रावटे ने मीडिया को जानकारी दी। जैसे कि पहले भी संज्ञान में आया था अवैध प्लॉटिंग के, हमने चिन्हांकित भी किया था और चूंकि यहाँ पर फिर भी काम जारी था अवैध प्लॉटिंग पे इसी तारतम्य में कार्रवाई किए हैं और निगम की टीम, राजस्व विभाग की टीम और पुलिस विभाग को बुलाया गया है। साथ में संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। आप खुद यहाँ मौके पर देख रहे हैं कि लगभग 1 से 1.5 एकड़ में किस तरीके से अवैध रूप से प्लॉट की कटिंग करके बिक्री की गई है और हमारी जो आम नागरिक से यही गुजारिश है कि अवैध प्लॉटिंग के झांसे में न आए, क्योंकि उसमें फिर मूल भौतिक सुविधाएं जैसे कि नाली है, रोड है और बिजली है, इसके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी आम नागरिकों से भी अपील है कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों के झांसे में ना आए और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और हमने बहुत सारे खसरों का चिन्हांकन किया है पटवारियों के माध्यम से, राजस्व विभाग के माध्यम से और निगम के माध्यम से, तो संयुक्त रूप से कार्रवाई लगातार जारी भी रहेगी। क्योंकि शहरी क्षेत्र जो है, शहर जैसे बसते जाता है उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार भूमि अफैया लोग सक्रिय हो जाते हैं और जो कृषि भूमि होती है उसको अवैध तरीके से बिना परमिशन राजस्व की हानि करते हैं, जिससे कि क्योंकि यदि अवैध कॉलोनी बसाएंगे तो उसके लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन किए बगैर अवैध रूप से प्लाटों का बिक्री करते हैं, जिस पर कार्रवाई जारी है और ये कंटिन्यू जारी रहेगी। क्योंकि आप खुद, मैं जैसे बताया कि अवैध विकसित कॉलोनी का आप जानते हैं कि यदि कोई कॉलोनी विकसित करता है तो उसके लिए उनको सीसी रोड बना के देना पड़ता है, नाली बना के देना पड़ता है, लाइट कनेक्शन बना के देना पड़ता है, मगर अवैध प्लॉटिंग में ये चीज़ें नहीं रहती हैं, जिससे जो भी खरीदी करता है ज़मीन की वहाँ पर उन सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें। देखिए, वैध अवैध का आपको क्लियर है, किसी व्यक्ति के पास कम ज़मीन है तो उसको सीधा बेच सकता है, मगर उसको यदि छोटे छोटे प्लाट में काट करके बेच रहा है तो आप जान सकते हैं 5 से 10 से अधिक टुकड़ों में कंटिन्यू बेच रहा है तो अवैध प्लॉटिंग की श्रेणी में आ जाता है। इस कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन और निगम प्रशासन का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयाँ जो पहले भी अंजाम दी जा चुकी हैं या आगे भी जारी रहेंगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।